छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए हैं और जिसको लेकर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 4 साल गौरव और स्वाभिमान के हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार बनने के बाद हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, हर वर्ग के जीवन में परिवर्तन आया है। कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग के विकास के लिए प्रभावी योजना बनाई, उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किया है। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के द्वार खोले गए हैं, आउटसोर्सिंग बंद की है, आदिवासियों के लिए हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, योजनाएं बनाई हैं। कल हमारी सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक पत्रकार वार्ता लेके कुछ मिथ्या बातें आप सबके सामने रखी, जिसमें 15 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह जी ने आप सबके सामने कुछ गलत आंकड़े प्रस्तुत किए। इन 4 सालों में क्या हुआ है, आप सबसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कुशासन, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार के 15 साल बनाम सेवा, जतन, सुशासन और समृद्धि के 4 साल, इसके संबंध में जानकारी देने के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जो रमन सिंह जी ने आज जो गलत बयान दिया है उसके बारे में भी अलग अलग विषयवार हमारे वरिष्ठ साथीगण भाई आरपी सिंह जी, भाई धनंजय ठाकुर जी, भाई सुरेंद्र वर्मा जी आपको बताएंगे। मैं स्वयं भी कुछ बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर रमन सिंह 15 वर्षों तक इस राज्य का मुख्यमंत्री रहे हैं और वो झूठे हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े झूठे हैं। आज उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में शराब की 700 दुकानें हुआ करती थी, जो कि भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में बढ़कर 1400 हो गई हैं। अगर वो मेरी चुनौती स्वीकार करते हैं तो आपके माध्यम से मैं उन्हें चुनौती प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 1400 दुकानों के नाम अगर हिम्मत है तो सार्वजनिक कर दीजिए, अन्यथा अपना मुंह काला करके राजनीति से संन्यास ले लीजिए। एक ऐसा आदमी जिसकी उम्र लगभग 70 साल होने को आ गई, 15 साल मुख्यमंत्री रहा और झूठ बोलता है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उस दौरान आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, परंपरा है, यहाँ के तीज त्यौहार है, यहाँ के बोली भाखा है, यहाँ के खान पान है, वो विलुप्त प्रकार पर थी। अगर आज रमन सिंह जी बोलते हैं कि गौरव क्या है, तो आपके माध्यम से मैं रमन सिंह जी को बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन होना और विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी मिलना ही हमारे लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ के त्यौहार हरेली का आयोजन होना, तीजापोरा का आयोजन होना, गोवर्धन पूजा का आयोजन होना और उस आयोजनों में अवकाश मिलना, ये हमारे लिए 4 साल के गौरव की बात है। रमन सिंह जी को गौरव हो ना हो, छत्तीसगढ़ की जनता को अपने संस्कृति के आयोजन पर गौरव होती है।